एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो आज है 12th of August एंड टुडे इज थर्सडे। तो अभी बज रहे हैं दिन के 12 और मेरी ऑलमोस्ट अभी क्लास खत्म हो चुकी है, मतलब एक क्लास बची है एंड व्लॉग वगैरह कुछ नहीं करने वाली थी मैं। सो अभी एक पार्सल आया है विच इज़ दिस, जो कि हमने खुद ने ऑर्डर किया है। प्राइम डे जब सेल चली थी तब वी प्लेस दिस ऑर्डर। सो अभी ये रिसीव हुआ है, आई शो यू इसके अंदर क्या है, साथ में हम लोग ओपन करेंगे। वैसे तो मैं कोई व्लॉग वगैरह नहीं बनाने वाली थी आज, आई वॉज अ लिटल बिजी, बट अभी ये आ गया तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ ओपन करूँगी। सो विल ओपन इट राइट अवे। वैक्सीन एंड ऑल दैट की अपडेट मैं आपको थोड़ी देर में दूंगी। अभी घर में आए हैं गोलगप्पे, तो हम चलते हैं सारे गोलगप्पे खाने। में ज़्यादा नहीं खाऊंगी क्योंकि मैंने खाना खा लिया है, बाकी काम हुआ इनसे अच्छे से। ज्यादा नहीं बोल रहा तू, कुशन देखो नाल गोलगप्पे गोलगप्पे ला मैं खिलाऊंगी सब। लास्ट इशू के नील्स बढ़ते हैं क्योंकि ओके। सो आई एम करंटली इन माई किचन और मैंने दाल बननी रखी है, अगर आप देख सकते हैं उधर इस वाले कुकर में दाल बन रही है और मैं आप लोगों को कुछ दिखाती हूँ। ये चीज़ कल हो गई थी, मैं ना व्लॉग करते करते तो भूल जाती हूँ दैट आई एम व्लॉगिंग। ये आदत डालनी पड़ेगी मुझे व्लॉग की, मैं आपको दिखाती हूँ। सो दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। मंदिर का दरवाज़ा लग चुका है प्यारा प्यारा, पूरा नहीं दिखाऊंगी मैं, दिख जाएगा वैसे नहीं दिखा रही हूँ मैं पूरा इस, क्योंकि फिर जब हाउस टूर आएगा तो वो रिवीलिंग नहीं होगा। और व्लॉग में जब ऐसे पीछे बैकग्राउंड में कुछ दिखता है वो इतना क्लियर नहीं दिखता है। सो लेट इट बी। अब मैंने दाल तो बननी रख दी है, इफ़ यू कैन सी दाल बननी रख दी है, बट मुझे नहीं पता ये कितनी देर में बनेगी। सो आई एम वेटिंग कि मम्मी आ जाए तो वो देख लेंगी इसको। और अभी ना करंटली मैं पूरे घर में अकेली हूँ, कोई नहीं है यहाँ पे। सो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, आई एम ऑल अलोन। और हाँ, एक और चीज़, पूरा घर ना अभी खाली है। जैसे कि आप में से बहुत लोग बोल रहे थे टूर कर दो टूर कर दो टूर कर दो, कहाँ से टूर करूँ, ना ही सोफ़ा आया है अभी, आप देख सकते हो ये पूरा एम्प्टी है, ना ही डाइनिंग टेबल आया है, कुछ भी नहीं आया है। तो वो धीरे धीरे करके आ रहा है, लाइक सोफ़े बनने दे रखे हैं, वो बनने में टाइम लगेगा और बाकी चीज़ें, तो बेयर विद दैट। और ऊपर से जैसे रूम टूर भी नहीं दे सकती मैं, बिकॉज अभी उसमें चेयर आनी बाकी है, देन समथिंग इधर उधर डेकोरेशन पीसेज एंड ऑल दैट। और एक कारपेंटर को बोल के मैंने एक वो लेडर टाइप का भी कुछ बनवाया था, तो वो भी अभी ऊपर शिफ्ट होना बाकी है, शायद आज हो जाएगा वो, मैं आप लोगों को ब्लॉग में दिखा दूँगी। यहाँ से मेरा रूम दिख रहा है, सो किचन के बिल्कुल साथ में मेरा रूम है। तो अभी मैं क्या करूँगी, ऑब्वियसली मुझे मेरा रूम क्लीन करना है। सो मैं वेट कर रही हूँ कि आ जाए मम्मी वगैरह। हाय गाइस, तो अभी मैं करने वाली हूँ वीडियो शूट, जिसके लिए भी मैं रेडी होंगी एंड आई हैव टू स्ट्रेट माय हेयर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऐसे गंदे बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हैं बहुत दिनों से। सो थोड़ते हैं एंड फिर रील्स शूट कर रही हूँ एक्चुअली मैं, थोड़ा इंस्टाग्राम का अपॉइंटमेंट, बिकॉज यूट्यूब का मैं ऑलरेडी शूट कर चुकी हूँ, उससे पहले करना बाकी है। एंड लुक एट द हेयर फॉल, अमाउंट ऑफ हेयर फॉल दिख रहा है, पता नहीं देखो कैसे दिखाऊं, बैक कैमरा से दिखाती हूँ। वेट, कैन यू सी द अमाउंट ऑफ हेयर फॉल, सिर्फ रॉबर्ट बेंड से आया ये, इतना परेशान कर दिया ना इसने, कांट इवन टेल यू। Fall
वी आर डन विद आवर हेयर, दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक स्ट्रेट होने के बाद, काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं। अदरवाइज ऐसे जंगली जानवरों की तरह रेड नहीं, इतने दिनों से फ्रिजी हो रखे हैं बिकॉज ऑफ द वेदर एंड ऑल, एंड मोर ओवर मैं केयर नहीं कर पा रही हूँ इनकी। आई रियली वॉन्ट टू पुट सम एफर्ट्स मेरे बालों के लिए, बट पता नहीं क्या हो गया इनको यहाँ पे आने के बाद। तो सी ये देखो इतने ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं ना, आई कॉन्ट इवन टेल यू। और सब लोग मुझसे सॉल्यूशन पूछ रहे हैं। सी गाइज, अभी ना चल रहा है, कौन सा वाला टाइम चल रहा है मैं आपको बताती हूँ। इट्स करेंटली रेनी सीजन और इस सीजन में अच्छे अच्छों के बाल झड़ते हैं, और होंगे भाई वो ब्लेस्ड पीपल जिनके बाल नहीं झड़ते होंगे, बट मेरे भी झड़ते हैं इस टाइम में, तो ऐसी बात नहीं है। और मेरे यूजुअली भी झड़ते हैं, बट कम झड़ते हैं। तो मैं जो अपने लिए ट्राई करूँगी वो आप लोगों को ज़रूर बता दूँगी, ऐसा नहीं है कि मैं छुपाऊँगी कुछ। तो अभी तो फिलहाल बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, कुछ भी कर लूँ सब कुछ हो रहा है। ऊपर से मैं ऑयलिंग नहीं कर सकती, मेरी ऑयलिंग बंद है। इसके बारे में, ऑयलिंग क्यों बंद है क्या है इसके बारे में आपको अपडेट दूँगी जल्दी ही, सो उसका भी आप वेट करो। एंड सेकेंड थिंग, आई गॉट वैक्सीनेटेड। उस टाइम जब मुझे वैक्सीन लगी इट वॉज अ लिटल पेनफुल देन द प्रीवियस वन, जब वो पहली लगी थी उसमें पता भी नहीं चला था इंजेक्शन लगते टाइम। बाद में तो क्या हालत हुई थी आप लोगों को पता होगा, अगर किसी को नहीं पता है इधर मैं लिंक कर दूंगी वीडियो, गो एंड चेक दैट आउट। बट ये सेकेंड डोज के टाइम इट वॉज जस्ट पेनफुल हाथ में और पूरी बॉडी में, मुझे कहीं पर कुछ भी असर नज़र नहीं आया कि मुझे कहीं फीवर हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ हाथ में दर्द है। इवन इनफैक्ट मैं अपना हाथ ऐसे करके सोती हूँ ना तो इधर प्रेशर पड़ता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है इधर, एंड नथिंग मच। तो यस, और तो कुछ नहीं हो रहा है अभी। मैं शूट कर रही हूँ ये इंस्टाग्राम के लिए, रील्स शूट कर रही हूँ, और रील्स फिर ये थोड़ी सी ना कंटेंट वाली होने वाली है, सो दैट कि मैं हफ्ते में एटलीस्ट 3 to 4 रील्स थोड़ी अच्छी कंटेंट वाली डाल दूँगी, बाकी आई विल पुट द सॉन्ग्स वन। अगर बिकॉज मैं पहले सोच रही हूँ थोड़ा सा इंस्टाग्राम पे भी ग्रो हो जाऊँ, यूट्यूब और इंस्टाग्राम को साथ साथ लेके चलूँ। लाइक ऑन यूट्यूब आई हैव करेंटली 3,200 सब्सक्राइबर्स, सो आई वॉन्ट कि एटलीस्ट उसका हाफ हो इंस्टाग्राम पे, 1,500 के अराउंड हो। सो उस पर मैं रील्स ही एक ऑप्शन है जिससे कि आप ग्रो कर सकते हो, सो आई रियली वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन दैट। तो अभी मेरे पास हैं कुछ आइडियाज़, उनको एग्जीक्यूट करूँगी मैं, मे बी अब मैं आप लोगों को सीधा शूट करने के बाद मिलूंगी, अगर बीच में कुछ हुआ बिहाइंड द सीन्स वगैरह तो ऐड कर देंगे, अदरवाइज नहीं। और मैंने मेरे बालों को स्ट्रेट करने के लिए ये आयरन यूज़ की थी, दिस इज़ VNG, और ब्रांड का नाम ही है VNG प्रोफेशनल्स। अब मुझे नहीं पता कि आपको कहाँ मिलेगी कहाँ नहीं मिलेगी, बट ये मेरे कज़न की है, सो आई हैव यूज दिस वन। और इसमें ना टेम्परेचर सेटिंग है फ्रॉम 140 डिग्री सेल्सियस टू 230 डिग्री सेल्सियस तक आप इसको मॉनिटर कर सकते हो। सो आई कैप्ट इट ऑन 180 एंड दैट वॉज इन फॉर माई पर्टिकुलर हेयर। और मुझे अगर शूट करते करते कहीं बीच में फील होगा कि यहाँ से सेटिंग बिगड़ चुकी है, मैं उसको ठीक कर लूँगी। तो अभी बातें कम करते हैं और मैं जल्दी हूँ शूट करने। सो मैंने मेरे कपड़े ना जो इस टाइप से बैग्स होते हैं ना, जैसे ये पिलो का बैग आया था, इस टाइप से जो वो होते हैं उसमें रखे हुए हैं। सो इसके अंदर मोस्टली मेरे सूट्स हैं, लॉन्ग स्कर्ट है। तो अभी मैं शूट के लिए यही सब निकालने जा रही थी। आई थिंक आई हैव टू चेंज माई नेल पेंट एज वेल, पता नहीं ये दिखेगी नहीं दिखेगी उसमें। सो या सो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है मेरे को शूट को वाइंड अप करते करते, इट्स ऑलमोस्ट 12 रात के। मैंने बहुत सारी रील्स शूट कर ली है, लाइक नॉर्मल सॉन्ग्स वाली भी और थोड़ी बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट वाली भी, जो आप अगर मुझे फॉलो नहीं कर रहे हो इंस्टाग्राम पर गो एंड फॉलो मी, आप लोगों को देखने को मिलेगी। टुडे इज़ 14th ऑफ अगस्त, यानी कि संडे, ऑब्वियसली 12 से ऊपर हो गया तो 15th ऑफ अगस्त ही लगा लो। सो या तो आज संडे है, तो कल से मंडे से ये वीडियोस में डालना स्टार्ट कर दूँगी, एंड मंडे को ही ये वाला ब्लॉग भी जाएगा। तो फटाफट से जाके और फॉलो कर लेना। अभी मैं मुंह धो के आऊँगी और मैं मेरा रात का स्किन का करूँगी, एंड देन आई विल स्लीप आफ्टर टेकिंग माई मेडिसिन। सो हाय गाइस, सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे, और अभी मैं जा रही हूँ मोमोज बनाने। एक्चुअली आशीष की डिमांड है तो उसके लिए बन रहे हैं मोमोज, तो सब लोग खा लेंगे तो मैं बना देती हूँ। और इसलिए भी बना रही हूँ, वरना मैं नहीं बनाती, इसलिए बना रही हूँ बिकॉज़ कभी कभी चीटें होना चाहिए, कुछ कुछ खा लेना चाहिए इधर उधर का, बट
लेट्स सी क्या होगा। एंड मोमोज की रेसिपी मैं ऑलरेडी पिछले लॉकडाउन में अपने किसी व्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ। अभी आई हैव नो आइडिया कि मैं इस व्लॉग में इंक्लूड करूँगी नहीं करूँगी, अगर करूँगी तो आगे देख लेना, नहीं करूँगी तो मैं वो वाला व्लॉग यहीं कहीं नीचे मेंशन कर दूँगी, आप जाके रेसिपी देख लेना, ठीक है। इट्स सो डैम सिंपल, या फिर मैं जहाँ से मैंने देख के वो बनाई थी मैं उस रेसिपी का लिंक दे दूँगी, जैसे भी होगा देख लेना। अभी हम लोग चलते हैं उसकी प्रिपरेशन के लिए। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर शिमला मिर्च चॉप कर दी और ये पूरा एक पत्ता गोभी चॉप कर दिया। यहाँ पर दो तीन अनियन थे वो हैं, की रेसिपी मैंने नहीं शेयर की बिकॉज कुकिंग के टाइम ना आइदर यू कैन कुक और यू कैन रिकॉर्ड, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि किचन ना काफ़ी ज़्यादा मेस्ड अप हो जाता है। ये लो लाइट गई और ऊपर से पता नहीं चलता क्या चीज़ डाली क्या नहीं डाली, इसीलिए मैंने उसका थोड़ा सा पार्ट शूट किया, वो आपको दिखा दिया। बट मोमोज इतने ज़्यादा टेस्टी बने थे ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी। मैं दोनों चटनी की रेसिपी भी और मोमो की रेसिपी दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप लोग चेक कर लेना। सो अभी हो गई है रात और कल मंडे है और कल मुझे व्लॉग लाइव करना है। सो आई थिंक आई एंड दिस व्लॉग ओवर हेयर ओनली। बट एंड करने से पहले, ये व्लॉग बेसिकली मैंने वैक्सीन के लिए बनवाया था, बट मुझे लगा कुछ होगा बट मुझे लिटरली कुछ नहीं हुआ, बस हाथ में पेन है और वो पेन रहेगा, मतलब टच करने पे होता है और हाथ अगर ज़्यादा देर ऐसे ऊपर रह जाता है तब फील होता है, अदरवाइज देर इज नो सच साइड इफेक्ट ऑफ द सेकेंड डोज। साइड इफेक्ट तो पहले भी नहीं था, वो सिर्फ उसका आफ्टर इफेक्ट था, तो इसका भी, इसका तो कोई आफ्टर इफेक्ट नहीं है एक्सेप्ट दैट पेन। सो या मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ और आज घर में बहुत सारी मिठाइयाँ आई हैं, वैसे तो मैं आपको दिखाती हूँ, वेट एक सेकेंड, मैं कहाँ व्लॉग एंड करने वाली थी, लोगों को मिठाइयाँ दिखा रही हूँ। या दैट्स इट, अब मैं व्लॉग यहीं एंड कर रही हूँ एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो और व्लॉग। सो तब तक के लिए बाय।